यहाँ पे बैठक हुई है सरकार के साथ सभी 40 संगठनों के जो ऊपर जो कमेटी बनी है उसकी, उस बैठक में ये तय हुआ है कि सरकार ने जो हमारी मांगे थी लास्ट वाली दोनों पराली में, पराली का मुद्दा जो बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा था, किसानों को करोड़ करोड़ रुपए जुर्माना लगाने का था, वो मान लिया है कि हम उसे मतलब वापस लेते हैं। एक उन्होंने ये मान लिया कि जो बिजली का बहुत बड़ा मामला था, बिजली एक्ट आ रहा था, वो उन्होंने मान लिया कि किसानों को बहुत बड़ा इससे फायदा होगा कि किसानों को बिजली के बिल नहीं लगेंगे, मजदूरों को बिजली के बिल नहीं लगेंगे, किसानों को करोड़ करोड़ रुपए का जो जुर्माना पराली जलाने पर सरकार ने करवाने का प्रावधान किया था उस कानून में, वो वापस ले लिया गया है सरकार की ओर से आज। और जो दूसरे दो बाकी हैं MSP और जो कृषि कानून बनाए गए हैं उन पे मतलब सरकार ने एक बैठक और तय की है 4 तारीख को, और 4 तारीख की जो बैठक है उस बैठक में ये मतलब फैसला होगा। लेकिन आज एक बात जरूर मुझे सामने आई है कि सरकार का जो रवैया था वो पहले से काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा था, लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये मतलब पूरे का पूरा मामला जो वो सॉल्व होने की संभावना है। लेकिन यकीनन नहीं कहा जा सकता, सरकार की कोई बात नहीं होती, कहाँ पे कैसे मतलब स्लिप मार जाती है, लेकिन दो जो अब मतलब सॉल्व हो चुके हैं इसके चलते 4 तारीख की बैठक दी है सरकार ने, इसीलिए आज मतलब सभी संगठनों ने यहाँ बैठकर एक बैठक की है सरकार की बैठक के बाद, और पूरे 40 संगठनों की ये हमें जो बैठक हुई है उस बैठक में से ये निकल कर एक बात ये फैसला किया गया है कि जो कल का 31 तारीख को जो मतलब ट्रैक्टर मार्च करने का जो प्रोग्राम था वो 4 तारीख तक पोस्टपोन किया गया, क्योंकि सरकार की ने बैठक दी है। फिर सरकार को ऐसी भी बात होती है कि आपने मतलब जब हमने आपकी आपको बैठक दे दी है, बातचीत चल रही है, तो आपको कोई वदमा एक्शन नहीं करना चाहिए था। इस बात को ध्यान में रखते हुए उस जो ट्रैक्टर मार्च करने का जो प्रोग्राम था हमारा, उसे 4 तारीख तक उस बैठक तक हमने पोस्टपोन किया है, आगे देखेंगे क्या होता है। इतना आज की मतलब बैठक का फैसला है। थैंक यू अभिमन्यु जी, प्लीज अपना। जगजीत जी ने, आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल ने जो बातें कही वही बातें हैं जो हमारी पिछली दो मांगे थी, बिजली बिल रद्द करने की और पराली जलाने को लेकर जो किसानों का शोषण हो रहा था उसको बंद करने की, उन मांगों पे आज सहमति बन गई है सरकार के साथ। जो हमारी दो मेन मुख्य मांगे, पहले की दो मांगे, उस पर चर्चा अभी चल रही है और 4 तारीख को 2 बजे बैठक होगी। लेकिन आज जो पूरी बातचीत हुई एक वो पॉजिटिव माहौल में हुई, और ऐसा हम उम्मीद करते हैं, आशान्वित हैं कि हमारी जो पहली दो मांगे हैं उनको भी पूरा किया जाएगा।